हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेशर एजुकेशन पे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसे सॉल्व करेंगे हम लोग। आप लोग कमेंट करके बताएं कैन यू हियर मी, वॉइस आ रही है आप सबको। कैन यू हियर मी, आप लोग बताएं वॉइस आ रही है, कमेंट करके बताएं सभी लोग। ओके चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया, इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग पहले एक और चैप्टर में देख चुके हैं। इसके पहले जो पेपर आया था उसमें ये क्वेश्चन इस टाइप का था। तो यहाँ पे फिर से दिया गया एक्स और वाई सम संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या विषम संख्या होगी। तो हमें इसके लिए, हमने आपको बताया था कि आप एक्स और वाई कोई भी संख्या मान लो। तो हमने कहा एक्स को दो मान लेते हैं और वाई को हम क्या मान लेते हैं, चार मान लेते हैं। अब यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करें तो एक्स की पावर वाई मतलब दो की पावर चार कितना आएगा, 16। तो ये क्या आ गया, इवन नंबर मतलब सम संख्या आ गया, तो ये ऑड नंबर नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्स इंटू वाई करते तो क्या आ जाएगा, दो गुणे चार कितना, आठ। तो ये भी क्या, इवन नंबर है, इसका मतलब ऑड नंबर नहीं है, विषम संख्या नहीं है। फिर तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, यहाँ पे आया टू या आया फोर या आया टू इंटू फोर मतलब आठ। ये भी जो हमारा वैल्यू बनेगा ये आठ हो जाएगा, आठ ये चार है ये दो है, तो इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14। ये भी हमारा इवन नंबर है, इसका मतलब ये ऑड नंबर नहीं बना। अब हम यहाँ पर रखते हैं वैल्यू, तो यहाँ आया दो, यहाँ आया चार और इसमें एक जोड़ेंगे तो हमारा वैल्यू आया सात, मतलब ये हमारा ऑड नंबर हो गया। तो आंसर क्या रहेगा, फोर ऑप्शन रहेगा। ओके कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपको एक वैल्यू पुटिंग का मेथड बताया गया था, वो यहाँ पे वर्कआउट करता है। बाकी हम यहाँ पे थोड़ी सी और चीज़ें बता दे रहे हैं। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने बता रखा था आपको कि अगर कभी भी इवन नंबर के साथ में, अगर कभी भी इवन नंबर के साथ में आपका मल्टीप्लाई किया जाए किसी भी नंबर का, चाहे वो इवन नंबर किया जाए तो भी इवन नंबर आएगा, और इवन नंबर के साथ अगर इवन ऑड नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए तो भी आपका इवन नंबर आंसर आएगा। ऑड नंबर आने के लिए जब ऑड नंबर का ऑड नंबर से मल्टीप्लाई किया तभी ऑड नंबर आता है, ये मल्टीप्लाई कंडीशन थी। दूसरा हमने देखा था इवन और प्लस इवन करेंगे तो हमेशा इवन नंबर आएगा, ऑड प्लस ऑड करेंगे तो भी हमारा इवन नंबर आएगा, जब कभी भी इवन प्लस ऑड करेंगे तब हमारा ऑड नंबर बनेगा, ये देख चुके हैं। अब हम पावर वाला वैल्यू देख लेते हैं। जब कभी भी इवन की पावर एनी वैल्यू हो हमेशा जो आंसर आएगा वो इवन ही आएगा, और ऑड की पावर एनी वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू हो तो हमेशा जो आंसर आएगा वो ऑड ही आएगा। आप कोई भी चेक कर लो एग्जाम्पल में, लाइक तीन की पावर दो करते तो कितना आएगा, नौ, तीन की पावर तीन करते तो भी 27, मतलब कभी भी आपका इवन नंबर नहीं जनरेट होने वाला। लाइक हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, जैसे आपने कहा छः की पावर दो करते हैं तो भी 36 आएगा, दो छः की पावर तीन चेक करते हैं तब भी आपका 216 आएगा, मतलब अगर इवन है नंबर, इवन है उसकी पावर कुछ भी रखो तो आपका आंसर इवन ही आएगा, और ऑड है तो उसकी पावर कुछ भी रखो तो आपका आंसर ऑड ही आएगा। तो यहाँ से तो हमारा नंबर इवन बनेगा, ये तो हो ही नहीं सकता था, क्लियर। यहाँ पे टू वाला मल्टीप्लाई वाले से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ भी कैंसिल आउट हो गया, यही हमारा आंसर होगा। ये हमने आपको तरीका बता दिया, थोड़ा सा और बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग कमेंट करके बताएं समझ में आ रहा है, मैं भी अच्छा हूँ। कहा गया अंक सात 0 से 108 तक में कितनी बार आया, तो आपको हमने पिछली बार बताया था अंक एक के बारे में, वहाँ पे 0 से लेकर के 99 तक पूछा गया था 1 कितनी बार है, तो आपका आंसर 20 आया था। अब आपको एक बात तो रियलाइज हो गई कि जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट पे कोई भी अंक हो आपका, वो 0 को छोड़ के 1 से 100 में अगर हम काउंटिंग करें तो यूनिट डिजिट पे जो नंबर आता है वो हमारा 10 टाइम आता है, 10 टाइम्स आता है। ऐसे ही अगर हम टेंथ की बात करें, टेंथ डिजिट पे, तो दसवीं दहाई के अंक पे जो है वो भी कितने बार आता है, 10 बार आता है। ठीक है, ये तो 1 से 100 तक की बात हो गई।
अब 107 में एक बार और 7 आया होगा, तो ये एक बार और हो गया, तो टोटल कितना हो गया 21। अभी हम आपको कैलकुलेट करा दे रहे हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा, जिनको समझ में नहीं आ रहा उनको कैलकुलेट करा दे रहे हैं। जैसे 7 की बात करें तो 7 में आएगा, 17 में आएगा, 27 में आएगा, ठीक है, 37, 47, 57, 67, 77 में यहाँ पे 7 आया, ठीक है, इसको हम अभी कंसीडर नहीं कर रहे, इसको हम बाद में कंसीडर करेंगे। फिर यहाँ पे 87 और यहाँ पे 97, ये अगर आप काउंट करोगे 10 बार आएगा 7 यहाँ पे, ठीक है, यूनिट डिजिट पे। अगर हम दहाई के अंक की बात करें तो 70 में आता है, फिर 71, 72, 73, है ना, ये कुल मिला के 79 तक आएगा। तो ये भी कितनी बार आता है, यहाँ से यहाँ तक का 9 बार हो गया, ये एक कितना 10 बार, ये दहाई के अंक में भी कितनी बार आता है, 10 बार। तो आपने कहा इकाई के अंक में 10 बार आया, दहाई के अंक में 10 बार आया, लेकिन यहाँ 108 तक लेना, ये तो जो हमने काउंटिंग किया वो 100 तक की हो गई, 100 तक में 20 बार आ गया है 7। अब 108 तक में अगर हम काउंटिंग करेंगे तो कहीं पे 7 आएगा, तो आपने कहा नहीं आएगा, 101 से लेकर के 106 तक तो कहीं नहीं आएगा, खाली यहाँ 107 में आएगा, फिर 108 में नहीं आएगा, तो खाली यहाँ पे एक बार आएगा 7, ये एक यहाँ पर आ गया, तो टोटल कितना होगा 10 प्लस 10 और प्लस 1, टोटल कितना होगा 21 टाइम्स आएगा 7। आप सबको समझ में आ गया होगा, ओके, वेल डन, बहुत अच्छे सभी लोग आंसर मार्क कर रहे हैं इसका, तो आंसर आ गया सी, ओके। जिसको नहीं समझ में आया आप दोबारा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में खाली एडिशन करना, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, फ्रैक्शन को ऐड करना होता है। जब कोई फ्रैक्शन को ऐड करना होता है लोग क्या करते हैं, पहले इसको होल बाई, जो ये होल बाई फ्रैक्शन वैल्यू दी होती है, इसको ये टोटल लिख लेते हैं ओवरऑल फ्रैक्शन में, ओवरऑल फ्रैक्शन में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। जब कभी भी ऐड करना हो तो सबसे पहले आप इंटीजर वैल्यू जो है, जो आपका बटे सही में नहीं, उनको ऐड कर लो, ठीक है। तो अगर इनको ऐड करेंगे 5, 7, 8, तो ये कितना हो गया 12, 8, 20, तो ये टोटल कितना हो गया 20 प्लस। अब इन सबको ऐड कर लो जो बाकी बचे फ्रैक्शन फ्रैक्शन, तो प्लस कितना आया 1/2 प्लस का 1/4 प्लस का 3/4 दिया यहाँ पे दिया 3/8, ठीक है, ये वैल्यू को ऐड करना। तो सबसे आसान इनका एलसीएम ले लो, कितना आया 8 एलसीएम लिया, तो इसमें कितने से गुणा किया 4 से, तो यहाँ पे आ गया 4 प्लस, यहाँ पे कितने से गुणा किया गया है, अब आपने कहा यहाँ पे 2 से गुणा किया गया, तो 8 बना होगा, तो ये हो गया 6 प्लस, यहाँ पे किसी से नहीं गुणा करना पड़ेगा, 3 हो गया। अब ये 20 इसमें ऐड होना है, तो अब आपका कितना आएगा 20 प्लस ये कितना हो गया 6, ये 10 × 3 = 13 13/8। आप अगर ऐसे ऐड करना तो ऐसे भी ऐड कर सकते, क्योंकि इसमें कहीं भी ऐसे बटे सही में नहीं लिखा है, फ्रैक्शन में नहीं लिखा है होल वाला, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा 8 × 16 160 प्लस 13 कितना होगा 173 डिवाइड बाई 8, तो आपका आंसर होगा पहला वाला, ओके। आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे, आप लोग कमेंट करके बताएं आप सबको समझ में आ रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएं, तो हम इसका प्रोसेस थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें, अदरवाइज इसका एक्सप्लेनेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ईजी मेथड होता है और आप इसको ऐसे ही लगाएंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम लोग, हमने क्या किया, सबसे पहले इनको ऐड कर लिया ये होल वाली वैल्यू को, देन फिर फ्रैक्शन को ऐड करके मर्ज कर दिया। नेक्स्ट वैल्यू देख ले रहे हैं, यहाँ पे कहा गया एन के कितने मान के लिए 43 एन संख्या 9 से विभाज्य होगी, 9 से डिविजिबल चेक करना है, तो कोई भी संख्या जो है 9 से डिविजिबल तब होती है जब उसके सम ऑफ डिविजिबल कब होती है, जब आपका सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है, इसका मतलब जो उसका अंकों का योगफल है वो अगर 9 से विभाज्य होता है तो वो संख्या 9 से विभाज्य होती है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे अंकों का योगफल कितना है 4, 3, 7 और +9, यहाँ पे जो बना है 7 + n बना है अंक। अब ये 9 से डिविजिबल हो जाए तो n की वैल्यू कितनी रख दे जो 9 से डिविजिबल हो जाए, आपने एक से शुरू रखना शुरू किया तो आपने कहा 2 अगर रख देंगे तो 7 + 2 कितना हो जाएगा 9, ये 9 का मल्टीपल है, इसका मतलब जो n की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक, एक पर भी नहीं सेटिस्फाई होगा, 3 पर भी नहीं होगा और किसी भी अंक पे नहीं सेटिस्फाई होगा, केवल यहाँ पे क्या होगा 2 पर सेटिस्फाई होगा, ठीक है, 0 पर भी नहीं होगा, तो आपका आंसर आ गया 2। वेल डन, बहुत अच्छे चेतन त्यागी जी और बहुत सभी लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। एडिशन वाला दोबारा समझाने के लिए कह रहे हैं आसाम खान जी, तो आप ऐसे समझ लो, जैसे मैं एक और एग्जांपल ले ले रहा हूँ, जैसे आपसे कहा जाए 4 / 3/8 + 5 / 2/4
तीन, इसको ऐड करना है। तो आप क्या करो, सिंपल सा पहले ये जो इंटीजर वैल्यू इनको ऐड कर लो। चार पाँच कितना हो गया, चार पाँच कितना हो गया नौ, तो ये लिख लो नौ। प्लस इस फ्रैक्शन को अलग ऐड कर लो, फ्रैक्शन को अलग ऐड करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 3/8 प्लस का 2/3। अगर आप चाहो तो इसको एक साथ ही लिख सकते थे, जरूरत नहीं थी इतना यहाँ पे लिखने की, आप इसको एक साथ ही लिख सकते थे। लाइक कैसे लिखते हैं, हम क्या करते हैं सबसे पहले यहीं पे लिख दे रहे डायरेक्टली क्या इनका एडिशन। तो आपने कहा यह आएगा नीचे एलसीएम कितना है, 8 × 3 = 24, ठीक है। इसमें कितने से गुणा किया, 3 से, 3 × 3 = 9 हो गया। प्लस यहाँ कितने से गुणा किया, 8 × 8 = 16 हो गया। तो आपका वैल्यू कितना है, ये आ गया 9 प्लस का ये आ गया 25/24। तो आप इसको डिवाइड करो तो आएगा 1/1/24। तो इसको अगर आप लिखना चाहो तो आएगा 10/1/24। अगर आप इसको होल बटे सही में लिख लो तो वो भी चल जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट देख ले रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट वैल्यू देख ले रहे हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे साइन कोई नहीं दिए गए, यहाँ पे साइन क्या लगा लें जिससे हम सवाल लगा सकें। बाकी यहाँ पे इस तरह के हम सवाल बता चुके हैं, आपका a³ + b³ का फॉर्मूला बन जाएगा या a³ - b³ का फॉर्मूला बन जाएगा, इस तरीके से आप लगा लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, यदि किसी संख्या के 70% से 90 घटाया जाए तो परिणाम 120 आता, तो संख्या का मान बताएं। ओके इनाम खान जी, वेल डन, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे क्या है, आप अगर ध्यान से समझें तो इसको मैं पहले डिटेल में बता देता हूँ, अदरवाइज फिर बाद में आप शॉर्टकट से देखो कैसे आएगा। तो डिटेल में कैसे, हमने कहा मान लो संख्या 100% तो उसका 70% 70 हो गया। तो 70% से 90 घटा दो अगर, तो ये कह रहे हैं ये 120 के बराबर, तो ये इधर जाके जुड़ जाएगा, कितना हो गया 70% की वैल्यू हो गई आपकी सिंपल सा 210। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 210 बटे में 70। अगर हम 100% की वैल्यू निकालें तो 100 से गुणा कर देंगे, यहाँ तो 100 से गुणा कर दिया, ठीक है। 70 बटे में था ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 7 से कट गया 3 आया, तो 7 × 21, तो यहाँ पे कितना आ गया 300 आ गया। तो ये आपकी संख्या हो गई। आप इसको शॉर्टकट से कैसे लगाते, सिंपल सा आप ऐसे समझ सकते थे कि 70% से 90 घटाया जा रहा है, 70% से 90 घटाया जा रहा है तो परिणाम ही कितना आता है, 120 आता है। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात, उस संख्या का जो 70% है वो 120 से 90 ज़्यादा होगा। 120 से क्या होगा, 90 ज़्यादा होगा, क्योंकि 70 में 90 घटाया तब 120 के बराबर बना ना। इसका मतलब 120 में अगर हम 90 दे दें, 120 को 90 और दे दें तो वो 70% के बराबर हो जाएगा। तो हमने सिंपली लिख लिया यहाँ पे 70% जो है वो 120 + 90 कितना होगा, 210 के बराबर होगा। तो आप 100% की वैल्यू निकालोगे, कितना 210/70 × 100, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से तुरंत आंसर आ जाएगा, 100% की वैल्यू 300 आ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। वेल्डन, बहुत अच्छे। चेतन जी, इमाम जी, इनाम जी और सुभाष चंद्र जी, ओके वेल्डन, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आज के जो भी हैं वो सारे बहुत इजी टाइप के थे, आज का पेपर हम लोग बहुत जल्दी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जब इजी आया तो इजी वे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ कहा गया पीतल में तांबा तथा जस्ता का अनुपात 11:14 है, तो 150 किलोग्राम पीतल में तांबा की मात्रा कितनी होगी, ये निकालना है। सबसे पहले तो हमें यहाँ दो चीज़ें पता चल जाती कि क्या क्या चीज़ें आ रही, ठीक है। तो यहाँ दो चीज़ें हैं, तांबा है और तांबा हो गया, और दूसरा कौन सा है, जस्ता है। इसका जो रेशियो है वो दिया गया 11:14, तो टोटल रेशियो कितना होगा, 25:25। टोटल 25 है, इस 25 की वैल्यू दी है 150 किलो, 150 kg दी है, तो 1 ratio का मान कितना आया, 6 किलो, है ना। इससे 25 को डिवाइड कर दिया, यहाँ की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 66, यहाँ की वैल्यू निकाले 14 × 6 आ जाएगी। तो हमने किससे किसका मान पूछा गया, हमें पूछा गया तांबा की वैल्यू, तांबा की वैल्यू क्या 11 × 6 कितना होगा, 66 ग्राम, ओके सॉरी ग्राम नहीं है, केजी है, तो ग्राम केजी आएगा, जो पहले है यूनिट वही आएगी, यहाँ पे केजी है तो यहाँ पे कितना आएगा, केजी आएगा। तो 66 kg आपका आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ केजी में पूछा भी गया, तो आपका आंसर आएगा सी, क्लियर है, बहुत अच्छे, वेल डन। यहाँ पे किसी का आंसर 1 आ जा रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जा रही होगी आपकी, जल्दबाजी में आप लगा रहे होगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, 150 है, 100 नहीं है, 150 को डिवाइड करो 6 times जाएगा। यहाँ कहा गया प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत बताना है। पिछली बार हम लोगों ने योगफल देखा था प्रथम एन सम संख्याओं का, यहाँ पे औसत है। तो अगर प्रथम एन संख्याओं का औसत पूछा जाए, ठीक है,
तो ये सिंपल सा होता है, n प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है वो हमारा हो जाता है, बहुत इजी वे में आप लिख सकते हैं n प्लस वन डिवाइड बाई टू, ठीक है। लेकिन अगर प्रथम सम संख्याएं n और इनका अगर आपसे औसत पूछा है तो ये सिंपल सा होता है n प्लस वन, ठीक है। और प्रथम विषम संख्याओं का अगर पूछा जाए, प्रथम n विषम, ये विषम कर दी जाए, तो इसका होता है औसत n स्क्वायर, सॉरी n स्क्वायर नहीं n, ये तो योगफल हो गया n स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या आपका निकालना है, सम संख्या औसत निकालना, तो आपका आंसर कितना आया n प्लस वन, मतलब आठ प्लस एक कितना हो गया नौ, तो आपका औसत आएगा नौ। जैसे अगर आपको फॉर्मूला याद करने की आदत नहीं, क्योंकि हम भी फॉर्मूला से नहीं पढ़ाते हैं, चूँकि ये एग्जाम इतना ईजी है इसलिए हमने यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखा दिया, अदरवाइज फॉर्मूला हम कभी भी क्लास में डिस्कस नहीं करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, इसका आसान तरीका होता है, जैसे यहाँ पे कहा गया पहली संख्या कितनी होगी सम संख्या दो, दूसरी चार, तीसरी छः, चौथी आपकी आठ, ऐसे करते करते आठवीं संख्या कितनी होगी। आपने पहली संख्या डबल है, दूसरी संख्या उसका डबल, तीसरी संख्या उसका डबल, चौथी संख्या इसका डबल, इसका मतलब आठवीं संख्या क्या होगी, आठ का डबल कितना सोलह होगी, क्लियर। तो संख्याएं ये हो गई। और अगर सिस्टमेटिक सीरीज है, मतलब गैप क्या है, बराबर बराबर है, तो आपका जो औसत होता है, जो एवरेज होता है, वो होता है एल प्लस ए, मतलब ए प्लस एल ने प्रथम संख्या प्लस लास्ट नंबर, ए प्लस एल बाई टू, प्रथम संख्या प्लस लास्ट नंबर, तो प्रथम संख्या दो है और लास्ट नंबर कितना है सोलह, तो इन दोनों का योगफल कर लो, तो दो और सोलह कितना हो गया उन्नीस, और उन्नीस का आधा, सॉरी दो और सोलह कितना होगा अट्ठारह, अट्ठारह का आधा कर लेते हैं कितना आएगा नौ, तो आपका आंसर आ गया नाइन, क्लियर है। तो आपका आंसर यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे हमने कैसे निकाला, टू प्लस सिक्सटीन डिवाइड बाई टू कर लिया, तो हमारी वैल्यू नाइन आ गई। एक और भी तरीका है, यू कैन आल्सो इमेजिन फ्रॉम दैट, लेकिन हम लोग ज़्यादा आगे नहीं प्रोसीड कर रहे हैं, अगली बार जब क्लास करेंगे तो हम देखेंगे। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं, यहाँ कहा जा रहा है, ओके बहुत अच्छे है, सभी ने आंसर मार्क किया इसका, बहुत अच्छे है। इसमें कहा जा रहा है, एक विक्रेता चावल को 20% के लाभ पर बेचता था, वजन करने के लिए 10% हल्के बांड का प्रयोग करता है, उसका कुल लाभ कितना होगा। ये बेईमान दुकानदार का सवाल, इसमें मोस्टली लोग गलत करते हैं इसको, हम चाहेंगे कि आपसे, आप में से कितने लोग इसको सही आंसर मार्क करते हैं, आप लोग कमेंट करके बताएं। बाकी हम इसमें बेहतरीन तरीका आपको हम सिखाने वाले हैं, यू कैन ईजिली फाइंड आउट, कभी भी बेईमान दुकानदार का कोई भी सवाल आएगा आपसे कभी फंसेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं, देन आफ्टर दैट अगर मुझे मौका मिलेगा तो हम आपको इसका कॉन्सेप्ट भी आज बता के जाएंगे, और श्योर है आज तो मौका मिल ही जाएगा, क्योंकि 95 कवर कर चुके हैं, 100 कवर करने के लिए 5 क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद हमारे पास सफिशियंट टाइम होगा, तो हम बेईमान दुकानदार का कॉन्सेप्ट सीख कर जाएंगे आज, ठीक है। बहुत बेहतरीन सवाल होता है बेईमान दुकानदार का, तो आप लोग इसका आंसर बताएं कितना आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें प्रताप सिंह जी ने सी आंसर बताया, ओके वेल डन, बहुत अच्छे। तो यहाँ देख लेते हैं, कहा जा रहा है कोई विक्रेता चावल को 20% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब वो लाभ पर 20% बेचता है, ठीक है। देन कहा गया वजन के लिए वो 10% हल्के बांट का प्रयोग करता, तो उसका ओवरऑल लाभ कितना होगा, बहुत बेहतरीन सवाल है। तो इस सवाल को सबसे पहले हम ऐसे देखते हैं, दुकानदार कहेगा भाई 10% हल्का बांट, तो पहले हम बांट पे फोकस करते हैं, मान लो 100 ग्राम का बांट उसको प्रयोग करना चाहिए, लेकिन वो 100 ग्राम का बांट ना प्रयोग करके 10 ग्राम कम, 10% कम मतलब 10 ग्राम कम, इसका मतलब 90 ग्राम बांट का प्रयोग करेगा, ठीक है, 90 ग्राम बांट का प्रयोग करेगा। अब ये बात दुकानदार को पता है कि अगर मैं 90 ग्राम सामान मेरे पास होगा तो मैं उसको जब तोलूंगा तो सामने वाले बंदे से ये कहूंगा ये कितना है 100 ग्राम, ये कितना है 100 ग्राम है, क्योंकि वो तो 90 ग्राम रखेगा, लेकिन ये बात सामने वाले को नहीं पता होगी, सामने वाले को लगेगा कि ये 100 ग्राम है, तो जो 90 ग्राम सामान है उसकी उसको वो सामने वाले कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 100 ग्राम। तो दुकानदार जब खरीदने जाएगा सामान तो वो कितना खरीद के लाएगा, 90 ग्राम खरीद के लाएगा, वो 90 ग्राम खरीद के लाएगा। मान लो हमने कहा 1 ग्राम का रुपये कितना है 1 रुपये है, तो 90 ग्राम का कितना हो गया 90 रुपये हो गया, ओके। तो 90 रुपये का सामान खरीद के लाएगा और उसको वो 100 ग्राम करके बेचेगा, इसका मतलब अगर वो सिंपल सा ऐसे नॉर्मल बेचे तो 100 रुपये का बेचेगा, लेकिन यहाँ पे वो नॉर्मल नहीं बेच रहा है, वो क्या कर रहा है 20% लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब 100 रुपये का तो उसको बना ही दिया, उसने कहा इस पे 20% और लाभ ले लो, तो इसका मतलब अब कितने का बेचेगा, वो बेचेगा इसको 120 का, कितने का बेचेगा 120 का। ये हमारा फाइनल एसपी हो गया, ये फाइनल एसपी हो गया, फाइनल एसपी जो हमारा 120 रुपये है, और अगर देखा जाए तो उस व्यक्ति ने लगाया कितना है, तो आपने कहा लगाया है 90 रुपये, तो 90 रुपये लगाया और 120 रुपये वो पा गया, तो इसमें लाभ कितना हो गया, हमने कहा लाभ जो हो गया वो हो गया 30 रुपये का,
रुपए में अगर 30 रुपए का लाभ होगा तो हमने कहा परसेंटेज में लाभ लिखना है प्रॉफिट का, तो कितना लाभ है 30 का, कितने पे लाभ है तो आपका 90 पे, सीपी पे 90 पे इंटू हम 100 कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी 1/3। 1/3 की वैल्यू जो होती है वो होती 33 से 1/3 मतलब 33.333। ठीक है, यह आपका आंसर हो जाएगा। ओके बेटन बहुत अच्छे, सी आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आई। अगर समझ में नहीं आई तो हम दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इनको दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। ओके ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, डायरेक्टली ऐड कर देना। हम आज आप इस सेशन को लास्ट तक अटेंड करें, हम आपको आज बेईमान दुकानदार का कॉन्सेप्ट समझा के जाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बेईमान दुकानदार का, अच्छे अच्छे लोग गलत करते हैं कॉन्सेप्ट। ओके बहुत लोग गलत करते हैं क्वेश्चन, इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ने वाला है, समझने लायक है। यहाँ कहा जा रहा है एक कार को बेचते समय एक व्यक्ति 9% की छूट देता है, यदि वह 5% की छूट देता तो उसे पहले से 88 रुपये अधिक मिलते, तो कार का अंकित मूल्य बताओ। बहुत अच्छा सवाल है बेल्डन, बहुत अच्छे। यहाँ पे हम मान लेते हैं उस कार का जो MRP है वो 100 रेशियो है, 100 रेशियो है, क्लियर। अब पहले वो छूट दे रहा था 9% की, कितनी दे रहा था 9%। पहले हम आपको डिटेल में समझा दे रहे हैं, देन आफ्टर दैट हम आपको बताते हैं ओवर या ओकली मतलब विदाउट पेन कैसे इसको सॉल्व कर सकते थे, ओवरऑल सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, कैसे कर सकते थे वो हम आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। पहले आपने कहा 9% डिस्काउंट देता, इसका मतलब वो कितने बेचता था, 91 का। अब उसने क्या किया, डिस्काउंट कम कर दिया, कितना कम कर दिया, 5% अगर देता तो वो कितने सेल करता है, 95 का। इसका मतलब पहले सेल करता था 91 का, अब सेल कर रहा है वो 95 का, तो कितना रेशियो ज़्यादा पैसा इसने गेन कर लिया अगले वाले में, तो आपने कहा 4 रेशियो। तो इस 4 रेशियो का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 8800। तो 1 रेशियो का मान कितना आ गया, ये आ गया 2, ये 2, 2200। 1 रेशियो का मान 2200 आ गया। तो अगर हम 100 रेशियो का मान जो हमारा MRP है इसकी वैल्यू लिखना चाहते, ये वैल्यू कितनी होगी, 2 जीरो और लगा दो, तो आपने कहा ये होगा 22, और आपका कितना 00, तो पहले से तो 00 और लगा दे तो 22 पास 4 जीरो ढूंढते कहाँ पे, तो आपने कहा ये सी वाले ऑप्शन में 4 जीरो हैं, तो आपका सी वाला आंसर हो जाएगा, क्लियर। ये सॉरी गलत मार्क कर दिया, ये 4 जीरो यहाँ पे, ये 22 डी वाला आंसर हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, यहाँ तो 2 है ही नहीं, ये 0 है। ठीक है, तो आपका डी वाला आंसर हो जाएगा। वेल डन, बहुत अच्छे। ओके तो हम क्या करते हैं, अब हम इसको आसान तरीके से देखते हैं कि विदाउट पेन हम लोग कैसे इस सवाल को लगा सकते थे। तो आप ऐसे समझो, पहले क्या करता था दुकानदार, जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट दे रहा था। आपका MRP हमने मान लिया, सपोज दैट MRP कितना होता, 100 होता, MRP 100 होता, तो पहले डिस्काउंट दे रहा था 9%, तो 9% का गैप आ रहा था उसमें SP और MP में। फिर दे रहा है वो 5% का डिस्काउंट, इसका मतलब अब SP और MP में गैप कितना रहा है, 5। इसका मतलब कहीं ना कहीं पे इन दोनों के बीच में गैप कितना आ गया, 4% का। यही वैल्यू उसने क्या कर दिया, यही वैल्यू उसको ज़्यादा मिल गई होगी, किसके तौर पे, सेलिंग के तौर पे। तो सेलिंग प्राइस उसका कितना इंक्रीज कर गया, उसका सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर गया 4% किसके सापेक्ष, MP के सापेक्ष। MP के सापेक्ष उसका 4% सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर गया होगा, तो 4% की वैल्यू दे रखा है कितना, 8800। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा 2200 आ गई। तो आपका जो MRP है वो आपने माना है 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2200 के आगे 2 जीरो और लगा दो, तो आ गया 2240, क्लियर। तो आपका डी आंसर हो गया। ओके वेल डन, बहुत अच्छे सभी लोग, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। ओके आर्या जी, आशियान खान जी, नेक्स्ट देख ले रहे हैं हम लोग। आज हम लोग बेईमान दुकानदार का भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। यहाँ कहा जा रहा है किसी आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप 34 मीटर रहता था, क्षेत्रफल 60 मीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई, इसको हम डिटेल में भी देखते हैं और पहले शॉर्टकट देखते हैं। शॉर्टकट तरीका क्या है, सबसे पहले ये जान लो आयताकार होता क्या, आयताकार ये हो गया है ना, रेक्टेंगुलर जिसको बोलते हैं, इसकी लंबाई अगर एल हो, इसकी चौड़ाई अगर बी हो, तो इसका जो परिमाप होता होता है 2L + B, और इसका मान दे रखा है 34। इसका मतलब आपको समझ में यह आ गया कि L प्लस बी का मान कितना आएगा, 17 आएगा। इसका क्षेत्रफल पूछा दिया गया, तो क्षेत्रफल होता है L × B, तो यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई, L × B का मान दे रखा है कितना, क्षेत्रफल दे रखा है 60। तो आपके यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो गई, L × B का मान 60 है। तो आपको ऐसे सोचना है कि 60 के दो ऐसे टुकड़े करो, पहले मैं अजम्पशन मेथड से सिखा रहा हूँ, अगर आपको अजम्पशन मेथड नहीं समझ में आता तो हम आपको लॉन्ग प्रोसेस बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने कहा पहले आप इस 60 का दो टुकड़े करो, इस 60 के दो टुकड़े करो ऐसे जिनका योगफल 17 आ जाए,
तो आपने कहा एक तो हो गया 60 × 1 क्या 17 आएगा, आपने कहा नहीं नहीं फिर आपने कहा चलो ठीक है और अगला तोड़ते हैं, तो आपने कहा 30 × 2 क्या 17 आएगा, तो आपने कहा ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, फिर आपने कहा 15 × 4 करते हैं तो क्या आएगा 17, आपने कहा नहीं आएगा, फिर आपने कहा 12 × 5 करते हैं तो आपका युगफल कितना आएगा 17 आएगा, इसका मतलब यही आपका टर्म है, ये एल होगा तो ये कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। अगर आप देखो ध्यान से तो एक का मान जो यहाँ पे अगर रेक्टेंगुलर बन रहा है तो ये एक मान हमारा हो गया 12, ये 12 हो गया, ये कितना हो गया हमारा 5 हो गया। तो अब इस रेक्टेंगुलर का जो विकर्ण होगा ये आपको निकालना है, रेक्टेंगल का इस आयत का, तो एक भुजा इसकी कितनी है ये 12 है ये 5 है, तो ये ट्रिपलेट को रिप्रेजेंट करे 12 5 13 वाले, इसका विकर्ण कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो आप इजीली आंसर मार्क कर सकते हैं 13 मतलब बी ऑप्शन आप मार्क कर सकते हैं। बहुत अच्छे आर्या जी, नेक्स्ट ही देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपने कहा 13 इसका इजीली आप आंसर मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं समझ में आया जंक्शन कैसे हम कर लिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं आपको डिटेल सॉल्यूशन भी समझा देते हैं। दो चीज़ें तो आपको समझ में आ ही गई हैं कि यहाँ पे क्या हो गया है, जो आपका मल्टीप्लाई है वो आपका 60 है, एल इंटू बी की अगर बात की जाए तो ये 60 है, और एल प्लस बी की अगर बात की जाए तो ये आपने 17 निकाल लिया, इतना तो क्लियर हो गया। अब कभी भी अगर एल माइनस बी निकालना हो तो इसका फॉर्मूला आएगा क्या आएगा, एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4LB इसका अंडर रूट। सबसे पहले हम L माइनस बी निकालते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 17 का स्क्वायर करेंगे 289 माइनस 4 टाइम L इंटू बी, तो 4 × 60 कितना आएगा 240, 4 × 60 240, तो इसका मान आया 49। 49 का अगर हम अंडर रूट निकालें तो L माइनस बी का मान आपने निकाल लिया है, तो L माइनस बी का जो मान आया हुआ है 7 और L प्लस बी का मान जो आया वो कितना आया है 17। आपको एक दिन और हमने बताया था जब कभी भी दो योगफल और उनका डिफरेंस दिया गया तो जोड़ के आधा कर दोगे तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी, जोड़ा तो कितना है 24 का आधा कितना 12, तो एल का मान 12 हो गया, और घटा के आधा करोगे तो आपका मान आ जाएगा छोटी वैल्यू, तो घटाया तो कितना है 17 7 गया 10 का आधा 5, तो इसका मतलब बी का मान कितना आ गया 5 आ गया है ना। अगर आपको नहीं समझ में तो सिंपल सा जोड़ दो, 2L की वैल्यू आ जाएगी 24, तो एल की वैल्यू 12 हो जाएगी, देन आप एल की वैल्यू रख दोगे तो यहाँ बी की वैल्यू आ जाएगी। अब ये 12 और 5 आ चुका है आपका मान, अब यहाँ पे हम अगर वैल्यू को लिखना चाहें इस रेक्टेंगल की मान को लिखना चाहें तो हम इसको थोड़ी देर के लिए रिमूव कर दे रहे हैं, यहाँ पे रेक्टेंगल बना रहे हैं, रेक्टेंगल मतलब आयत बना ले रहे हैं, तो आयत की एक भुजा ये हो गई 12, एक भुजा हो गई 5, तो अगर इसका विकर्ण कहा जाए इजिली आप इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट कर सकते हैं, ये कितना आएगा 13, अगर ट्रिपलेट याद है तो आप इजिली 13 मार्क कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया 13 बी ऑप्शन। ओके वेल डन, बहुत अच्छे। हाँ आर्य जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, शरीक खान जी 13 बता रहे हैं। नेक्स्ट देख ले रहे हैं हम क्वेश्चन, यहाँ पे इजी क्वेश्चन दिए गए आज के सेशन में जो भी आए हैं, तो अब ये क्वेश्चन आप लगाओ, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट है, लिटिल बिट कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत आसान ही, अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहें तो बहुत इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सवाल को जरा हम देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है दो गाड़ियाँ हैं एक निश्चित बिंदु से समकोण दिशा पर बनाने वाली अलग अलग सड़कों पर समान समय पर चलना प्रारंभ करती हैं, यदि पहली की जो गति है 90 किलोमीटर पर आ रहा है, दूसरे की 72 किलोमीटर पर आ रहा है, 10 सेकंड के पश्चात उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी ये आपको बताना है। आपने ये पॉइंट हो गया यहाँ से, ये एक इधर को जा रही रोड और एक इधर को जो रोड जा रही है समकोण पर है, क्लियर, 90 डिग्री इनके बीच में एंगल बन रहा है, चौराहा होता ना चौराहा वाला वैसी बात है यहाँ पे। तो अब कहा जा रहा है एक पर तो ये 90 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रही है, तो दूसरे वाले पर 72 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रही है, और ये 10 सेकंड बाद, तो 10 सेकंड में ये इधर कितनी दूरी तय कर लेगी, देन 10 सेकंड में ये इधर कितनी दूरी तय कर लेगी, फिर यहाँ से इसको मिला देंगे तो हमारा मान निकल आएगा, तो ये यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। इस भुजा का मान निकालने के बाद में इन दोनों का स्क्वायर करके हम अंडर रूट करेंगे तो हमारी ये वाली भुजा निकल आएगी, क्योंकि यहीं पे एक्स और वाई मान लो ये पहुंचते हैं तो इनके बीच की दूरी पूछी गई, ये हम इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या आएगा आंसर और कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो 90 किलोमीटर पर आ रहा है और आपका जो टाइम दिया वो सेकंड में दिया, तो हमने कहा पहली बात तो ये आंसर मीटर में दिया गया, इसका मतलब इसको मीटर पर सेकंड में पहले चेंज कर लेते हैं। तो आपको हमने एक दिन बताया था जब छोटी वैल्यू की ओर जाना है, छोटी यूनिट की ओर जाना है, छोटे फैक्टर का गुणा करना, लाइक मतलब 5/18 से अगर हम गुणा कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में आ गया। अब 10 सेकंड की बात करें तो 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो गया 18 का 18 × 5 = 90, तो डिस्टेंस टोटल हो गया 250। तो 250 मीटर कवर कर चुका, इधर 250 मीटर चल चुका, इधर की हम अगर बात करें तो इधर भी हमने चेंज कर लिया, 5/18 कर लिया, इनटू में 10 कर लिया,
तो यहाँ से 18 चौक 72, यहाँ 4 पंचे 20, तो यहाँ की जो वैल्यू आ गई ये डिस्टेंस कितनी आ गई 200 मीटर। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि एक दूरी ये वाली जो है ये 250 है, ये 250 मीटर है, इधर वाली 200 मीटर है। अब ये वाली दूरी निकालनी, तो आप इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो और देन ऐड करके अंडर रूट निकाल दो, तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको हम कैसे निकालेंगे, तो हम आपको आसान तरीका बता दें। ट्रिपलेट लिख लो, यहाँ पे लिखा 200, यहाँ लिखा 250, तो हम सबसे पहले देखेंगे ये कट किससे रहे। तो आपने कहा ये 50 से कट रहे हैं, तो इसका मतलब ये 50 का कितने गुना है, हम यहाँ लिख लेते हैं 50 का ये 4 गुना है, ये 50 का कितने गुना है, 5 गुना है। ठीक है, तो अगली वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो ये भी वैल्यू, ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे 50 गुना होगी किसका, इन दोनों के, ये 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के अंडर रूट का 50 गुना। तो 4 का स्क्वायर करते हैं कितना है 16, 5 का स्क्वायर करते हैं 25 और 16 25 करते हैं कितना है 41, तो 41 का अंडर रूट कर देंगे तो इसका कितना आएगा 50 गुना आपका आंसर आएगा। तो आपकी जो ये वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 50√41 मीटर, सिंपल सा। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, ये 4 नंबर आंसर हो गया। बेल्डन बहुत अच्छे यहाँ पे आ रहे हैं जी, आप थोड़ा सा फास्ट वर्कआउट कर रहे हो, यहाँ पे कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, आप जल्दबाजी में लगा रहे हो सवाल, आप टेंशन बिल्कुल मत लो, ये ऐसे जुड़ेगा नहीं। ठीक है, आइए संदीप आर्या जी क्या कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं ऐसे एक इधर को जा रही एक इधर को जा रही, और इन्होंने इधर का डिस्टेंस निकाल लिया होगा, ये 200 आया, इधर वाला निकाल लिया 250, इन्होंने दोनों को जोड़ दिया, करें 450 हो गया। ऐसे नहीं निकालना है, कभी भी डिस्टेंस निकालनी होती है तो ये सिंपल सा डायरेक्ट जो डिस्टेंस होती है उसी को डिस्टेंस कहते हैं। ये ऐसे ऐसे रास्ता नहीं करोगे, कल को मान लो ऐसे 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 टेढ़ा टेढ़ा रास्ता करने लगो तो ये थोड़ी ना निकालने लगोगे, अब डायरेक्टली जो डिस्टेंस होती है उसको निकालना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, मोहन और तथा पुनीत की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 दिया है, उनकी वर्तमान आयु का युगफल 36 वर्ष है, तो 7 वर्ष पश्चात पुनीत की आयु वर्षों में क्या होगी, ये आपको निकालना है। तो आपने कहा एक हो गया मोहन, दूसरा हो गया पुनीत, इसकी वर्तमान आयु दे रखा है अनुपात 7:5, और यहाँ पे युगफल भी वर्तमान का ही दे रखा है, तो वर्तमान का युगफल 36 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम टोटल करें तो आएगा 12:12:36, तो 1:1 का मान आपने निकाल लिया, कितना आया 12:36, मतलब 3 साल हो गया 1:1 का मान। अब आप किसी का भी वहाँ पे वर्तमान वैल्यू निकाल सकते हो, मोहन का मान निकालना तो भी, और इसका पुनीत का निकालना तो भी, हमें किसका निकालना, तो आपने 7 वर्ष पश्चात पुनीत का निकालना, तो पुनीत का पहले वर्तमान में निकाल लेते, तो वर्तमान में 5 का 3 गुना कितना हो गया 15, तो वर्तमान में जो पुनीत है वो 15 साल का हो गया। कोई बंदा वर्तमान में 15 साल का है और 7 साल बाद की बात करें तो 7 साल और बढ़ जाएगा, तो ये कितने साल का हो जाएगा, आपने कहा ये हो जाएगा 22 साल का, तो आपका आंसर आ जाएगा सी वाला, यहाँ पे सी वाला आंसर होगा। वेल्डन बहुत अच्छे। जीवा जी बोल रहे हैं 50√5 आ रहा है, 50√5 तो आ ही नहीं सकता है, 50√5 तब आता है अगर आपका मान कुछ इस तरीके से दिया हो गया होता, लाइक मान लो आपका स्क्वायर करने पर 5 बनता तब आता ना 50√5, ये तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, क्लियर, लाइक मान लो आपका एक मान 2 होता है, यहाँ पे एक मान 1 होता, तो अगर इसका स्क्वायर करते कितना था, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो ये √5 बनता। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 50 होता, यहाँ पे 100 होता, तब आपका आंसर 50√5 आता। ओके, तो जीवा जी वो तो हो ही नहीं सकता, आप थोड़ा करेक्ट कर लो, कैलकुलेशन सुधार लो। अभी हमको ट्रिपलेट का मान कैसे निकालते हैं ये सब चीज़ें भी हम आज के इस सेशन में सिखाएंगे आपको, थोड़ा सा वेट कर लो। आप अगर वर्कआउट करना चाहते हो हमारे साथ में तो थोड़ा थोड़ा सेशन के साथ में, अगर हमारा टाइम बचता है तो हम सेशन के एक्स्ट्रा में वर्कआउट करते हैं, तो हम वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें सिखा के जाते हैं, आप उनको जरूर फोकस करो ताकि आपका कैलकुलेशन भी बढ़ता जाएगा। ओके, यहाँ कहा जा रहा है यदि 24 लड़के एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 8 लड़के उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बहुत आसान सवाल दिया गया, 24 लड़के करते थे कितना, कितने दिन में, 16 दिन में, अब 8 लड़के लगा रहे हैं, इसका मतलब इफिशियंसी पहले थी 24, अब इफिशियंसी कर दी गई 8, तो इफिशियंसी क्या कर दी, 1/3, तो समय क्या हो जाएगा 3 गुना, जितना समय, जितना आप इफिशियंसी घटाओगे उतने समय बढ़ेगा, तो इफिशियंसी आपने 1/3 कर दिया तो समय कितना हो जाएगा 3 गुना, 16 का 3 गुना करते हैं कितना आएगा आंसर 48। जिनको ये बात नहीं समझ में आई कोई दिक्कत नहीं, हम लोग टोटल वर्कआउट कर लेते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लिया करो, है ना। हमने कहा मान लेते हैं एक बॉय की एफिशिएंसी कितनी है 1:1 है, तो 24 लड़कों की एफिशिएंसी कितनी हो गई 24:1, तो ये एफिशिएंसी इनटू में टाइम, टाइम कितना ले रहा है 16 दिन, तो इनटू में 16 कर देंगे, ये टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क जो बराबर जो होता है हमारा, टोटल वर्क बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड आ गया 24 और टाइम कितना 16, तो ये आ गया टोटल वर्क। अब अगर हमें टाइम निकालना है तो आप वर्क डिवाइड बाय स्पीड कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अब आपसे कहा जा रहा है 8 लड़के,
तो आठ लड़कों की स्पीड कितनी हो गई, आठ आठ से कर दो डिवाइड, आठ का यहाँ से कट गया दो और 24 का डबल कितना है 48। तो यहाँ पे आपने कहा 48 आ गया, और ये कितना दिन में है, तो आंसर भी कितना आएगा दिन में, तो आपका आंसर है 48 डेज। ओके आर्य जी बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बच रहा है, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट बच रहा है, तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखते हैं, बेईमान दुकानदार, इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं कितने लोग इसको पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम बताने जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन अभी अरेंज नहीं है, तो हम क्वेश्चन आपको बस बोलेंगे और यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो बेईमान दुकानदार कैसे लगेगा। सबसे पहले आपको हम कुछ सवाल बताते हैं, जैसे कभी भी ऐसे कहा जाए कि कोई व्यक्ति 30% कम बांट का प्रयोग करता है, और ये बेच देता है, सेल करता है, और किस पे सेल करता है, सीपी पर, क्रय मूल्य पर सेल करता है, ठीक है। तो इसका प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा, ये आपको निकालना हो सपोज दैट, तो कैसे आएगा वो हम देख लेते हैं। तो सबसे आसान है यहाँ पे आप फोकस करो कि वो दुकानदार क्या सोच के ऐसा काम कर रहा है। सपोज दैट आप एक दुकानदार बन जाओ, तो आपको पता है कि आपको 30% कम बांट का प्रयोग करना है, तो आप जब सामने वाले को बोलोगे कि भाई मैं 100 ग्राम तुमको सामान दे रहा हूँ, अब ये मत सोचना कि आपको मैंने बेईमान बना दिया, ठीक है, एक एग्जाम्पल समझने के लिए बना रहे हैं। तो हमने कहा यहाँ पे 100 ग्राम, सामने वाले को बोलोगे हम तुमको 100 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन वहां पे आप बांट कितना प्रयोग करोगे, 30% कम, इसका मतलब 70 ग्राम बांट का प्रयोग करोगे, 30% कम बांट का प्रयोग करोगे। तो अगर आपको पता ही है कि 100 ग्राम कोई बंदा लेने आएगा, हम वहां पे 70 ग्राम का बांट का प्रयोग करेंगे, तो आप जब कभी खरीदने जाओगे सामान, तो खरीद के कितना लाओगे, केवल 70 ग्राम, क्योंकि ये आपको पता है कि 70 ग्राम हमारे पास सामान होगा, तो हम सामने वाले को क्या बोलेंगे कि ये 100 ग्राम है, क्योंकि बांट हम 70 ग्राम रखेंगे, लेकिन सामने वाले को कहेंगे ये 100 ग्राम का बांट है। तो अब आप अगर मान लो 1 ग्राम का 1 रुपये है आपका, तो आप जब खरीदने जाओगे कितना रुपये लगाओगे, 70 ग्राम के लिए 70 रुपये लगाओगे, 70 रुपये लगाओगे, ये आपका सीपी हो जाएगा। और जब बेचोगे तो आप उससे कहोगे भाई ये 100 ग्राम है, तो हम तुमसे कोई फायदा नहीं ले रहे, हम क्रय मूल्य पर आपको दे रहे हैं, 1 रुपये का 1 ग्राम हम खरीद के लाए, तो 100 ग्राम तुम खरीद ले रहे हो, तो तुम हमको कितना रुपया दे दो, 100 रुपये दे दो, क्लियर। ये हो जाएगा आपका एसपी, ये सीपी होगा, ये एसपी होगा। तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो रेशियो में कितना हो रहा है, आपने कहा ये 30 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कितना 30 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, अब 30 रुपये प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, आपने कहा 70 पे, तो ये परसेंटेज जो प्रॉफिट आएगा, परसेंटेज प्रॉफिट जो आएगा, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं 30% आएगा, 30% नहीं आएगा। अब आपने ये परसेंटेज प्रॉफिट आएगा इनटू में हम यहाँ पे 100 कर देंगे, तो 3/7 आएगा फ्रैक्शन में वैल्यू, 3/7 की वैल्यू 14 42 हो जाएगा, ठीक है, 42 और 2 2 6 6/7% आएगा आपका आंसर। ये आप यहाँ से डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, ये आपकी वैल्यू बन जाएगी कितनी, ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, बन जाएगा 300/7, यहाँ से जब डिवाइड करोगे तो वैल्यू सही 6/7 आ जाएगा। ओके अब यहाँ पे संजय जी बोल रहे हैं कि जब वैकेंसी नहीं आएगी तो क्या करेंगे टीचिंग करके, हम तो आपको अभी वेल प्रिपेयर कर रहे हैं, वैकेंसी तो आनी ही है, ठीक है, बाकी तो स्ट्राइक वगैरह सब चल ही रही यूट्यूब पे, हम किसी कारण की वजह से आपका स्ट्राइक में सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अब वो हम आपको नहीं शेयर कर सकते हैं, बाकी हम भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या खुल के सामने नहीं आ पा रहे हैं, बस ऐसे समझ लो, ओके, क्योंकि पॉलिसीज होती हैं कि गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉई होता है वो कभी भी स्ट्राइक में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, बस इतना समझ लो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कल को आपसे ये कहा जाए कोई बंदा ये बेचते समय बेईमानी कर रहा था, पहले हम आज बेचते समय की बेईमानी का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर खरीदते समय की बेईमानी का एक और दिन सीख लेंगे। मान लेते हैं सपोज दैट कि 25% छोड़ दो, अब हम ये कह रहे हैं कि कोई बंदा बेचते समय 1 किलो की जगह पे 750 ग्राम बांट का प्रयोग करता, 750 ग्राम बांट का प्रयोग करता और ये सीपी पर क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो इसका प्रॉफिट परसेंट बताना ये कितना आएगा, आप लोग निकालो जरा। यहाँ कहा जा रहा है कोई बेईमान दुकानदार है, वो 1 किलो की जगह पर 750 ग्राम बांट का प्रयोग करता है, तो क्रय मूल्य पे ही बेचने का दावा कर रहा है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना बहुत आसान है। अब आपको समझ में आ गया हो, आई होप सो, आप यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो
लेट्स ट्राई। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि आप क्या करोगे, 750 ग्राम बाट रखोगे, ठीक है। लेकिन आप कहोगे कितना है ये, एक किलो, एक किलो मतलब 1000 ग्राम है, कितना है 1000 ग्राम है। तो आप जब दुकान में खरीदने जाओगे, जब मार्केट में, तो आप खरीद के लाओगे 750 ग्राम, और उसको कहोगे कितना है हमारा, एक किलो है। तो अगर हमने मान लिया एक ग्राम का एक रुपये है, एक ग्राम का एक रुपये है, तो हमारा जो सीपी लगेगा वो कितना हो जाएगा, 750 रुपये। और अब जब हम बेचेंगे तो हम कहेंगे ये एक किलो है, दैट मीन्स हमारे पास 1000 ग्राम है। तो 1000 ग्राम का रुपये हम कितना उससे लेना चाहेंगे, 1000 रुपये लेना चाहेंगे, 1000 रुपये लेना चाहेंगे। अब ये हमारा सीपी होगा, ये हमारा एसपी हो गया। तो यहाँ से हमने कितने का लाभ कमा लिया, तो रुपये में कमा लिया 250 रुपये का, ठीक है। और डिवाइड बाय कितना करेंगे, 750 इंटू में 100 कर देंगे, तो आपका ये वैल्यू आएगा 1/3। 1/3 मतलब हो गया आपका प्रॉफिट परसेंट, अगर आप निकालना चाहो परसेंटेज प्रॉफिट, तो आपकी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/3 मतलब 33/1/3%। क्लियर है, ओके, वेल डन, बहुत अच्छे। एक थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, फिर इसमें थोड़ा सा और हम इंक्रीज करते हैं। क्यों हम ये ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को समझ में आ जाए इसलिए। मान लो उसने कहा कि 20% कम बाट का प्रयोग करता है बेचते समय, ठीक है, और सीपी पर बेचने का दावा करता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा। तो हम इजीली यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब हमने कहा, वो कहेगा कि 100 ग्राम हम तुमको दे रहे हैं, लेकिन वो रियल में कितना बाट प्रयोग करेगा, 80 ग्राम का। तो मार्केट जाएगा तो वो कितना खरीद के लाएगा, 80 ग्राम, क्योंकि आपको खाली वो 100 ग्राम देगा। तो मान लो 1 ग्राम का 1 रुपये है, तो इसका मतलब वो मार्केट से कितना रुपये लगा के सामान खरीद के लाएगा, 80 रुपये, ठीक है। और वो जो बेचेगा तो कहेगा 100 ग्राम है, तो 1 रुपये का 1 ग्राम है, तो आपने कहा ये कितने रुपये बेचेगा, 100 रुपये का, तो लाभ कमाएगा 20 रुपये। और कितने पे लाभ कमाएगा, 20 रुपये, आपने कहा 80 पर, तो आपका जो परसेंट आएगा प्रॉफिट भी आएगा 1/4, तो परसेंटेज जो प्रॉफिट आ जाएगा वो 1/4 का मान होता है 25%, तो आपकी आंसर आ जाएगी 25%। आपका 25% आंसर आ गया, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब हम थोड़ा सा इसमें इंक्रीज करते हैं। अब क्या इंक्रीज करते हैं, मान लिया ये कहा जा रहा है कि कोई दुकानदार है जो एक किलो बांट की जगह पे 900 ग्राम बांट का प्रयोग करता है। कितना प्रयोग करता है, 900 ग्राम, और वस्तु का एमआरपी हम कुछ भी मान ले रहे हैं, हमने कहा चलो ठीक है आसान मान लेते हैं थोड़ा सा, वस्तु का एमआरपी 20% अधिक अंकित करता है, 20% अधिक मार्क करता है, ठीक है, और एमपी पर बेचने का दावा करता है, एमपी पर ही बेचता है, ठीक है, जो मार्क किया उसी पे बेचता है। तो आपका परसेंटेज प्रॉफिट आपको बताना है, बहुत आसान सवाल, थोड़ा सा एक स्टेप हमने यहाँ पे इंक्रीज किया है, लेट्स ट्राई, देखते हैं कि कैसे आएगा, ओके। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे एक स्टेप इसने और बढ़ा दिया, थोड़ा सा आपको और सोचना पड़ेगा। पहले आप क्या करो, रुपए में कन्वर्ट कर लिया करो, तुरंत आप रुपए में कन्वर्ट करने की कोशिश किया करो, देन आफ्टर दैट आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाया करो। तो सबसे पहले आपने कहा वो एक किलो कहेगा हमें, लेकिन वो क्या एक किलो देगा, मतलब 1000 ग्राम कहेगा लेकिन 1000 देगा थोड़ी ना, वो आपको 900 ग्राम देगा, कितना देगा 900 ग्राम, वो 900 ग्राम देगा, लेकिन आपसे क्या कहेगा, ये है कितना, एक किलो मतलब 1000 ग्राम है। तो अगर वो आपको पता ही, उसको पता ही कि 900 ग्राम को 1000 बना देगा, तो मार्केट में वो 900 ग्राम खरीद के लाएगा। मान लो 1 ग्राम का रुपये जो है वो 1 रुपये है, तो इसका मतलब वो मार्केट से कितना रुपये लगाएगा, 900 रुपये लगाएगा मार्केट में। अब उसको जब सेल करेगा तो वो कहेगा भाई ये हमारा 1000 ग्राम है, तो 1 रुपये के हिसाब से हमारा 1000 ग्राम का रुपये कितना बन गया, 1000 रुपये बन गया, ये हमारा सीपी हो गया, ठीक है, अब ये हमारा बन गया, ठीक है। लेकिन क्या करता है, ये तो हमारा हो गया वैल्यू जो अब वो फाइनल बेचेगा, लेकिन इसमें वो यहीं तक सीमित नहीं रहता है, कहता है हमें इतने में बर्दाश्त नहीं है, हम क्या करेंगे, इसको अभी इंक्रीज करेंगे, इसका एमआरपी हमें मार्क करना है और हम इसको इंक्रीज करेंगे। हमने कितना एमआरपी इंक्रीज किया था, आई होप 20% किया था शायद, तो 20% हम इसे इंक्रीज करेंगे, इसका 20% अगर हम इंक्रीज करेंगे तो इसका 20% कितना आया, 200, इसका मतलब अब हम इस वस्तु को बेचेंगे 1200 रुपये का, कितना का बेचेंगे, 1200 रुपये इसका एमआरपी रखेंगे, कितना रखेंगे एमआरपी। और क्वेश्चन में ये बोला गया जो एमआरपी है उसी पे वो बेचता है, इसका मतलब यही इसका क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो वो बेचा 112 का, लेकिन रियल में उसमें रुपये कितना लगाया, 900, तो 900 रुपये लगाया और 1200 का बेचा, तो उसको फायदा कितने का हो गया, 300 रुपये का।
कितने पे हो गए, 900 पे इनटू में हम 100 कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी 1/3, तो जो परसेंटेज प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा 33 से 1/3%। ये हमारा बन गया परसेंटेज प्रॉफिट। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। बहुत बेहतरीन सवाल है। ओके संदीप जी, आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, थोड़ा सा समझो चीज़ों को क्या बता रहे हैं। ठीक है, एक और थोड़ा सा हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करना चाहेंगे। अब हम क्या करेंगे, MRP रखेंगे, MRP बाद हम डिस्काउंट भी करेंगे। अभी जो सवाल था वो इसी पे था, उसमें MRP ना बोल के यहाँ पे प्रॉफिट बोल दिया था और इसी पे बेस्ड सवाल था। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे MRP पे डिस्काउंट भी मारते हैं। सपोज दैट आपसे ये कहा जा रहा है, कोई दुकानदार है तो जब सामान को बेचता है तो वो 20% कम बांट का प्रयोग करता है, 20% कम बांट का प्रयोग करता है। ठीक है, अभी ये खरीदने वाले के समय भी बेईमानी करता है, वो सब नेक्स्ट डे पे देखेंगे। 20% कम बांट का प्रयोग करता है, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद में कह रहा है MRP को कुछ भी मान ले रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमने मान लिया सपोज दैट MRP को वो 40% अधिक अंकित करता है। क्या अधिक अंकित करता है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और अब ये कहा जा रहा है MRP पे वो डिस्काउंट भी देता है, ये भी कहा जा रहा है सवाल में। हमने मान लिया सपोज दैट उसने ये कह दिया कि MRP पे वो 30% डिस्काउंट दे रहा है, बहुत अच्छा है भाई, इसने 30% डिस्काउंट भी दे दिया MRP पे, उसने 30% डिस्काउंट दे दिया। तो अब प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, आपको निकालना है। मतलब अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनाने वाला है उसको ये क्लियर नहीं है कि यहाँ पे प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, तो आपको ये भी बताना है कि प्रॉफिट आएगा तो कितना परसेंट आएगा या लॉस आएगा तो वो कितना परसेंट आएगा, ये सवाल में बताना है। चलिए आप इसे लगाएं, बहुत बेहतरीन सवाल है, थोड़ा सा यहाँ पे अपग्रेड हो गया है, थोड़ा सा हम नोट कर ले रहे हैं ताकि हम इसको हटाएंगे तो हमारे लिए काम आ जाएगा। 20% कम बांट का प्रयोग किया है, ये पहले था, फिर यहाँ पे MRP जो है उसने मार्क किया है ज़्यादा, कितना मार्क किया है, 40% अधिक मार्क किया है। ठीक है, फिर इसके बाद में उसने डिस्काउंट दिया है, कितना डिस्काउंट दिया उसने, 30% का डिस्काउंट दिया है, ऐसा सवाल में कहा गया है। ठीक है, हमने इतना लिख लिया। अब अगर हम इसको निकालें तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखते हैं, लेट्स सी, आप सब समझ पा रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये फोकस करेंगे 20% कम बांट का प्रयोग। ठीक है, तो वो दुकानदार क्या करेगा, मान लो उसको 100 ग्राम बांट का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन वो 100 ग्राम बांट की जगह पे कितना प्रयोग करेगा, 80 ग्राम, 20% कम। तो जब दुकान पर जाएगा वो खरीदने सामान, तो कहेगा भाई मुझे 80 ग्राम दे दो बस, क्योंकि हम उसको कितना बना देंगे, 100 ग्राम। तो वो अगर एक्चुअल में रुपए लगाएगा खरीदते समय पे तो कितना लगाएगा, 80 रुपये, मान लिया 1 ग्राम का 1 रुपये, 80 रुपये लगाएगा, वो इसका क्या होगा, क्रय मूल्य। एक्चुअल में जो खरीदते समय लगाया तो उसी को क्रय मूल्य कहते हैं। अब ये इसको क्या कहेगा, भाई ये हमारा 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम के हिसाब से इसका रुपया कितना बन गया, 100 रुपये। अभी तक इसको क्या है, बर्दाश्त नहीं हुआ, इसकी खुजली नहीं मिटी, और इसने क्या किया, सिंपल सा इस पे बढ़ा दिया, ये हमारा वैल्यू हो गया। इसको कह रहे नहीं नहीं इसको हम 40% बढ़ा के मार्क करेंगे, तो इसने इसका जो मूल्य है 40% बढ़ा दिया, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना मार्क कर दिया, 140 रुपये मार्क कर दिया, ये हमारा MRP आ गया। अब इसको ऐसा लग रहा है यार तो हमने कुछ ज़्यादा ही मार्क कर दिया, तो कह रहे अच्छा इसको थोड़ा सा ग्राहकों में अट्रैक्ट करना है तो हम यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं, कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट उसने दे दिया यहाँ पे 30%, कितना 30%, तो इस 140 का 30% डिस्काउंट निकालो, इस 140 का 30% डिस्काउंट निकालो, तो अब 140 का 30% कितना आएगा, तो आपने कहा 140 का 10% कितना आएगा, 14, और 30% निकालेंगे मतलब 3 गुना करेंगे, तो 42 आएगा, तो 42 रुपये यहाँ पे कम कर दो, 42 रुपये अगर हम कम करेंगे तो हमारा जो वैल्यू जो बिकेगा वो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा 98 का, कितने बिकेगा, 98 का, क्योंकि 40 तो ज़्यादा पहले से था। अब जो इसका रियल का प्रॉफिट हो रहा है वो इतना हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है रियल का, 18 रुपये हो रहा है। अब हम अगर इस 18 रुपये को परसेंटेज में लिखना चाह रहे हैं तो हम थोड़ा सा इसको मूव ऑन कर ले रहे हैं,
ताकि आप लोग इजीली देख सकें कि क्या वैल्यू आ रही है। अब हमें परसेंटेज निकालना है, तो 18 रुपये का लाभ हो रहा है, 18 रुपये का लाभ हो रहा है कितने पर? तो आपने कहा इस 80 रुपये, क्योंकि सीपी तो यही था ना 80 रुपये पे, और इनटू में कितना करेंगे 100, तो ये हमारा बन जाएगा परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट बन जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा है ना तो इसीलिए प्रॉफिट है। अगर ये कम हो जाता कल को 80 से तो ये लॉस बन जाता, क्लियर। तो आपने कहा यहाँ से वैल्यू हमको जो भी निकलेगी हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, हमें कोई इतना चिंता करने की जरूरत नहीं। ये आ गया 5, ये आ गया 4, अब यहाँ से हम कट करते तो ये आएगा 9, और ये आएगा कितना 2, और 5 में 45 बटे 2, और 45 बटे 2 करेंगे तो 22.5 आएगा। तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंट है अभी भी 22.5% है। बहुत बेहतरीन सवाल था, आपने इसको परफॉर्म किया, हमें भी अच्छा लगा, और आई होप आपने ये जो कॉन्सेप्ट है बेईमान दुकानदार को वो समझ लिया होगा। और अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप क्या करना, जब आपको मैं परसेंटेज की क्लास पढ़ाऊंगा तो उसे आप लीव मत करना, आप उसे जरूर पढ़ना, और आपको बेईमान दुकानदार बहुत अच्छे से समझ में आए, क्योंकि हमने यहाँ पे बेईमान दुकानदार को 10 मिनट के अंदर कवर किया, ठीक है। वहाँ पे हम बेईमान दुकानदार के लिए पूरा पूरा 1 घंटा देंगे आपको एटलीस्ट, तो आपको बहुत क्लियर चीज़ें समझ में आएंगी और बहुत बेहतरीन तरीके समझ में आएंगी, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को समझाया है। बस आपको एक ब्रीफ दे रहे थे कि इस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं, बाकी यहाँ पे हमारा एक ये मोटिव था कि एटलीस्ट आप जान सको कि बेईमान दुकानदार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला एक टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम, और आप सब लोग लगे रहें रिजल्ट के लिए कि आपका रिजल्ट जल्दी जल्दी आए, ठीक है। ओके, जो भी आप प्रोसेस अपना फॉलो कर रहे हैं आप फॉलो करते रहें, ठीक है।